दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजवंत सिंह भाई, और आज मैं एक अपने जीवन की आपके साथ घटना के बारे में शेयर करता हूं। जब मैंने रियल स्टेट का काम शुरू किया था 1992 में शुरू किया था, तो हमारे पर यहाँ मोहाली में बहुत बड़ा शहर नहीं था, थोड़ा शहर, छोटा शहर था, और उसमें हमें देखने के लिए एक नक्शा मिलता था जिसकी कीमत सिर्फ ₹200 थी। तो ₹200 का मैप खरीदने की बजाय लोग ये कहते थे कि आप पहले कोई डील कर लो, फिर जाके आप अपना नक्शा खरीद लेना ₹200 का। मैं काफ़ी देर लगा रहा, मेरा कोई काम नहीं होगा। फिर मैंने जाके नक्शा खरीदा, नक्शा खरीदने के बाद और स्टडी किया। जब उसमें प्रॉपर स्टडी किया तो मेरी नॉलेज बढ़ी। नॉलेज बढ़ने के बाद मेरी डील जो फर्स्ट डील है और तब हुई थी जाके दिसंबर 1992 में। तो मेरा मतलब ये है कि जब हम किसी चीज को ये देख लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाए तो फिर हम ये करेंगे, ये काम हो जाए तो ये करेंगे, वो कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से नौजवान हैं ये सोचते हैं कि यदि हमारे पास पैसा आ जाए तो हम ये करके दिखा देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। पैसा कहता है जब आप कुछ करके दिखाओगे मैं तब आऊंगा। ये नक्शे की कॉपी ने भी मेरे को ये कहा कि पहले मेरे को खरीद, फिर उसके बाद मैं आपकी डील करवाऊंगी। सो हमने ये सोचना है कि नक्शे की कॉपी पहले खरीदनी है, नॉलेज लेने के लिए नॉलेज पहले लेनी है या नॉलेज बाद में लेनी है। प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली किताब में मैंने 14 पेज का चैप्टर लिखा हुआ है, लर्न बिफोर यू गो टू अर्न। सीखने के लिए सीखना पहले जरूरी है। यदि आप सीखोगे, सीखना शुरू कर दोगे, नॉलेज लेनी शुरू कर दोगे, नॉलेज को अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तब जाके आपकी नॉलेज आपकी पावर बनती है। मैं हमेशा कहता हूं, नॉलेज इज नॉट पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज पावर। यदि अप्लाइड नॉलेज आपके पास होगी तो डेफिनेटली आपके पास ताकत आएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लोगों से अलग हो जाएगा। सो हमने ये देखना है कि जब मैंने, यदि मैं ₹200 की, तो मैं बैंक में काम करता था, ₹200 की कॉपी तो मैं खरीद ही सकता था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जब तक मैंने कॉपी पहले नहीं खरीदी, उसके ऊपर से स्टडी नहीं किया, उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा, तब तक मेरी डील नहीं हुई। आपने भी हाथ पर हाथ धर के बैठ के सोचना नहीं कि मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं ये करूंगा, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो वो करूंगा। इस तरीके से कभी नहीं होता भाई। जहां भी बैठे हो, जिस भी हालत में बैठे हो, एक्शन लेना शुरू कर दो। जब आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे तब जाके आपका जो ट्रैक है वो सही बनता है। जितने महान पुरुष हुए, चाहे कृष्ण जी की बात कर लो, चाहे हम रामचंद्र की बात कर लो, गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर लो, यदि उनके हालात समान रहते, सही रहते, नॉर्मल रहते, तो वो कभी भी इतना बड़ा स्टेप लेके बड़े आदमी नहीं बन सकते थे। उनके बड़े होने का कारण ये है कि उनको दिक्कतें आई। दिक्कतें आने के बाद उन्होंने जो उनके पास समस्या थी, दिक्कत थी, उनके सामने घुटने नहीं टेके लड़के दिखाया हालातों के साथ, तब जाके लोगों ने उनको महापुरुष की उपाधि दी। सो हमने डरना नहीं है, किसी बात से नहीं डरना। ये नहीं कि हमारे पास ये हो जाए तो हम ये कर लेंगे, ये हो जाए तो ये कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। जहां भी बैठे हो, जब भी आपको टाइम लगता है तो एक्शन ले लो। जिस दिन आपने एक्शन ले लिया तो समझो आपका काम होना शुरू कर दिया। एक्शन लेने से हम क्यों डरते हैं कि हम गलती ना कर लें। ओ भाई, जितना आदमी जो काम करेगा वो गलती करेगा ही करेगा। जिस बंदे ने गलती कर ली वो अगली बार सुधार लेगा। काम ना करना पाप नहीं है, गलती करना कोई पाप नहीं है। जिन लोगों के परिवारों में ये समझाया जाता है कि गलती नहीं करनी, तो वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पीछे धकेल के लेके जाते हैं। जो आदमी काम करेगा उससे गलती होनी है, और जितनी गलतियां आदमी ज्यादा से ज्यादा करेगा उतना ज्यादा उसकी ग्रोथ हो जाएगी। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब में देख लो, उसने यही कहा कि मैं आज लोगों से ज्यादा अमीर क्यों, या लोगों से ज्यादा सेटिस्फाई क्यों, कि मैंने लोगों से ज्यादा गलतियां की हैं और उन गलतियों की सजा भुगती हुई है मैंने। तो गलती करना पाप नहीं है, गलतियां करनी चाहिए। तो गलती होगी
तभी गलती में हम हमारी जो पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगी, हमारी पर्सनैलिटी में सुधार आएगा। सो गलती करने से नहीं डरना। इस तरीके से जो मैंने ये कहा कि हमारे पास पैसा आ जाए, ये कर ले, ये ऐसे, ये बहाने हैं, ये बहाने नहीं लगाने। अपनी जिंदगी में बहानों को पूरी तरह से निकाल दो। आप यदि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इस सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने।